हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रहलाद सिंह, आज मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हो रेस ट्रैक, वो जो बड़ा वाला स्क्रीन लगा है ब्लैक का और विनिंग पोस्ट। तो मैं हूँ फिलहाल यूरोप के डेनमार्क कंट्री में और मैं आपको पीछे के व्यू से नज़ारा जो है आपको बता देता हूँ कि ये है रेसिंग ट्रैक यहाँ का। इस साइड में क्लब्स है जो का है और इस तरह से यहाँ पे हॉर्सेस काम खा रहे हैं। काफी अच्छा व्यू यहाँ का, खूबसूरत। हम देखेंगे वो साइड में हॉर्सेस खाके वापस जा रहे हैं। मैं आपको फिर से शेयर करवा देता हूँ, फिर मेरे कुछ फ्रेंड है उनके पास मैं जाऊंगा। वहाँ पे फ्लैग लहरा रहा है, यह है डेनमार्क के रेसिंग ट्रैक्स। छोटा सा रेस कोर्स लेकिन खूबसूरत और काफी अच्छी जगह पे हैं। यहाँ पे थोड़ी सर्दी कम है मेरे हिसाब से, थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़ा डाउन में है। और हवा बहुत तेज से चल रही है, वहाँ कुछ घोड़े खड़े करने का उनका कोई रूल है, पता नहीं। मैं सब घोड़े को देख रहा हूँ कि वहाँ जाके खड़े होते हैं, फिर उनको थोड़ा बहला फुसला के फिर आगे कैंटर वेंटर उठाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, डेनमार्क के रेसिंग ट्रैक का। जितने भी जो हॉर्स रेसिंग वाले मेरे फ्रेंड हैं वो कम से कम डेनमार्क में ज़रूर कोशिश करें। यहाँ जॉब आते हैं, प्रोफेशनल लेवल के जॉब आते हैं, प्रोफेशनल ट्रैक राइडर्स के जॉब आते हैं। तो अगर उनसे हो सके तो उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहिए, और जिनको मेरी हेल्प लगेगी तो वो तो आपको पता है। फिर मैं यहाँ अगर घूमने आता हूँ या लोगों के लिए जॉब्स देखता हूँ तो उसके लिए चार्जेबल रहेगा थोड़ा बहुत। और ये नज़ारा है, आज थोड़ा स्नो गिरा था इसलिए बर्फ़ पड़ा है, थोड़ा बर्फ ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पे पड़ा है। तो ये नज़ारा है, यहाँ से आप ट्रैक को देख रहे हो, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ के। नए नए रेस कोर्स देखना, वहाँ पे घर के लोग की हेल्प करना, लगवाना, नया नया रास्ता खोलना, ये मेरा शौक है पुराना, तो मैं वही हिसाब से कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरी लाइफ में कंटिन्यू, बेंगलोर से लेके सिंगापुर, साउथ कोरिया, फिर मकाऊ और रशिया, जापान, फ्रांस, तो इन देशों में कहीं ना कहीं जाके हेल्प हुई है लोगों की काफ़ी। अभी अगले टारगेट हैं कुछ यूरोपियन देश, जहाँ पे भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, आने वाले टाइम में देखा जाएगा। बहुत ही मस्त व्यू, फिलहाल सब स्टेबल वो साइड में है, ट्रेनर्स स्टैंड है उधर। और सुबह का टाइम में यूरोप में यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते विदाउट रेसिंग, तो ये वो सिर्फ ट्रेनर लोग है जो। और सबसे बड़ी बात है डेनमार्क की कि ये लोग जो अपनी करेंसी में, यहाँ यूरो शायद नहीं चलता, इनका जो डेनियल क्रोन चलता है DKK, तो उसका प्राइस 1 यूरो और एक यूरो यहाँ के पैसे में मतलब 7 क्रोन होता है। तो यहाँ पे जो सैलरी मिलती है, जो मेरे कुछ फ्रेंड यहाँ पे हैं अलग अलग देश से, जो कुछ मॉरीशस से है और साउथ अफ्रीका से है और अपने बुल्गेरिया से है, तो उनसे मेरी बात हुई क्योंकि मैं 2 दिन से इधर हूँ। तो यहाँ पे जो
सिक्स डेज की सैलरी है मंडे टू सैटरडे, वो 25,000 है यहाँ का। और इसके अलावा आप अगर रेसिंग में घोड़ा लेके जाते हो तो आपको 200 मिलता है। तो अगर कैसे तो भी आपको दो घोड़े ले जाने रहते हैं अगर आप रेस में आ रहे, कम से कम दो घोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा तीन या चार अगर ज़्यादा रेस है तो वो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो भी पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है। और करीबन 3,000 का टैक्स कट जाता है यहाँ पे, 3,000 खाने का आता, करीब करीब इतना ही 3,000 तक रूम का आ जाता है। तो अगर 8-9,000 निकाल दें और आपको अगर 25 वो मिल रहा है और 5,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, 30 तो ये स्ट्रेट अवे हो रहा है, और उसके अलावा रेस जो आपका मंडे सॉरी सैटरडे हाफ और संडे जो फुल डे काम करते हो उसका अलग से पैसा मिलता है। तो करीब करीब इनका, इन्होंने जो मुझे बताया रेसिंग बोनस करके, 35 करोन जाता है। तो 35,000 करोन बहुत पैसा होता है, इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपये से ऊपर होता है। खा पी के इंडियंस यहाँ पे 2,50,000 2,40,000 बचा सकते हैं, इतनी कंट्री है ये कि पूछो मत। और बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बंदा आ रहा है, मैं उससे बात करूँगा, वो कहाँ से है, कोशिश करूँगा। हेलो, फिलहाल मैं वीडियो को यहाँ रोकता हूँ क्योंकि वो शायद बात करे ना करे।